बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सो प्रोफेशनल सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस के अंदर आज जिस प्रैक्टिस का हम जिक्र करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है पर सिविल इंजीनियर, पर साइट इंजीनियर, पर स्ट्रक्चरल इंजीनियर सब के लिए। तो इसलिए हम डिस्कशन करेंगे आज के दिन कि जब शटरिंग की फिक्सिंग की जाती है तो उसको प्रोफेशनल तरीके से कैसे टैकल किया जाता है, कॉलम्स का अलाइनमेंट किस तरह से आपने बेहतरीन तरीके से रखना है, और इसकी जो अलाइनमेंट प्लस ये जो है बकलिंग ना कर जाए कंक्रीट पोरिंग के अंदर, इसको किस तरह से हमने टैकल करना है। तो यह देख लीजिएगा, ये हमने इसके लिए एक हुक बनाया है। पहले तो हमने यहाँ प्लाई लगाई, प्लाई के बाद ये हमने इसके पट्टे इसके ऊपर लगाए, और पट्टों के ऊपर ये जो बैटन्स है ये लगाए हैं, ठीक है, दोनों साइडों पर। और फिर इसको हमने ये जो हमारे हुक्स हैं ना, ये फाइनली इसको बिल्कुल फाइनल शेप दे देते हैं। फाइनल शेप के साथ साथ ये एक और काम कर जाते हैं, और वो ये होता है कि यहाँ पर जो इसकी खुलने के चांस होते हैं वो बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो हो जाते हैं। अच्छा, किस तरह से ये करना है, इसको इस तरह से करना है कि पहले तो आपने इसकी पूरी की पूरी अलाइनमेंट करनी है। जब ये इसके फिक्सिंग से पहले, ये पूरी की पूरी अलाइनमेंट के बाद आपने इसकी फिक्सिंग करनी है और इसको टाइट करना है। तो ये एक बेहतरीन तरीका है जिससे जो शटरिंग की फिक्सिंग है वो सही तरीके से हो जाती है और इसका जो शेप है उसके बिगड़ने के चांसेस नहीं होते हैं।